रसूल इब्लाग कर दो जो हमने तुम्हें कहा है। सख्ती शुरू हो रही है, ये सख्ती है, ये आसानी नहीं है ये। आज हम 1400 साल बाद बड़े खुश होते हैं, कोई क्या कैसे लोग थे, कैसे लोग थे ये, देखा इन्होंने और भूल गए। आज आप कह रहे हैं उधर होते ना आसान नहीं है, बहुत सख्त है, जाने वाला। हमें तो इतनी आसानियां बता बता के हमें बताया नहीं कि सख्ती भी कुछ होती है। मामला आगे बढ़ा, बढ़ता गया, जब करबला तक पहुंचा है ना, इम्तिहान भी सख्त हो गया, सख्त तरीन इम्तिहान था। तभी तो हम पढ़ते हैं ज्यारतों के अंदर पढ़ते हैं कि ये जो मुसीबत पड़ी आपके ऊपर, ये अजीम मुसीबत थी, इससे अजीम मुसीबत जमीन आसमान ने गिरिया किया है, आलम झुके हुए थे शहीद शहदा की तरफ। इमाम ने भी ऐसे लोगों का इंतखाब किया, ऐसे गौहर अपने पास लेकर आए कि जानते थे कि ये खड़े रहेंगे। कैसे थे, किस मकाम पे थे, क्या कहते थे कि हमें तो कई दफा मारा जाए हम नहीं जाएंगे। पता हम अज़ीज़ाने मोहतरम आज इतने 100 साल बाद अगर हमें खुदा ये तौफीक दे रहा है तो हमें इम्तिहान की दावत दी जा रही है, हमें दावत दी जा रही है। अब आप बोलेंगे मौलाना साहब हम मजलिस सुनने आते हैं, आप हमें पता नहीं किस इम्तिहानों में डाल रहे हैं। अल्लाह मजलिस सुने, हम तो घर जाएं, हमारी ज़िंदगी है, बच्चे हैं, बीवी है, कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, किसी को क्या, मौलाना हम किन चक्करों में बसा रहे हैं। मैं क्या आपको बसाऊँगा, असल में ये दावत है ही इसलिए, आओ उस वादी में जिस वादी में इमाम तुम्हें बुला रहा है।